और पहले गड़े कर दिए गए थे कि भाई ये स्विमिंग पूल बनेगा यहाँ पर, तो बारिश हो रही है, ओ छम छम बरसा पानी और बच्चों ने अपने यूनिफॉर्म बिल्कुल खराब कर दिए, गंदा पानी करते हैं और बच्चे जो हैं इस वक्त पानी में, गंदा पानी है, साफ है। फैसल एयरपोर्ट चारे पाकिस्तान ठेले छोड़कर फरार हो गए हैं इस वक्त, ठेले जो हैं पानी में आएगी बस शेल्टर के नीचे साफ बैठे हुए, किस तरह से भागेंगे बस के आगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नागन चौरंगी स्टेशन ग्रीन लाइन, और नागन चौरंगी स्टेशन से आगे की तरफ सफ़र कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या दिलचस्प मनाजिर आज देखने को मिलते हैं। हल्की और तेज़ बारिश का मुकाबला करना पड़ रहा है आज, और थोड़ी सी अगर वॉइस क्वालिटी में फ़र्क आ रहा होगा तो मैंने रेन कवर लगाया हुआ है कैमरे के ऊपर, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं भी तेज़ बोल रहा हूँ और थोड़ा सा आप गौर से सुनेंगे तो क्या ही बात है, एक दूसरे की मदद करेंगे तो अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, नागन चुरंगी बिल्कुल इस वक्त नीट एंड क्लीन मुझे लग रहा है, उस तरह से क्लीन नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं, मतलब जो पानी आ जाता है ना पूरा तो वो भर जाता है, ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है, पर यहाँ पर खुद ब खुद ही आ जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ। नागन चौरंगी का बल खाता हुआ ब्रिज और उसके बिल्कुल बाजू से गुजर रहा हो, क्या ही बात है हमारी गाड़ियों की, और मड फ्लैप होते तो काश ये हाल ना होता, हम पर ये सीटें ना आती। ये देखिए, अरे भैया यार 50 रुपए में बचत हो जाती, मुझे लग रहा है तो ये दो चार मड फ्लैप लेके रखने ही पड़ेंगे दूसरों को देने के लिए, लेकिन हाथ के हाथ कोई लगाएगा नहीं, हाथ के हाथ गीला तो कर जाता है लेकिन लगाएगा कोई नहीं। और इस वक्त आप मनाजिर दिख रहे हैं भाई, शफीक मोड़ से ज़रा सब पहले जो एरिया है, रेड लाइन बोर्ड आ चुका है, नागन चुरंगी चारे फैसल एयरपोर्ट चारे पाकिस्तान न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया कहां कहां टर्न करवा रहे हैं, तो यहां पर बस शेल्टर के नीचे लोगों ने इस वक्त तो पना ले रखी है, समझेंगे अभी इंतज़ार कर रहे हैं बस का, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि मौसम कैसा है और कहां जाने का है। और कुछ कारोबारी सूरत हाल जो मैं देख रहा हूँ शफीक मोड़ की, नॉर्मल सी बेहतर लग रही है, बेहतर है, और खोलने की कोशिशें कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जोहर की नमाज के बाद सब खोल लेंगे। और यहाँ पर जो है गड्ढे बनाए गए हैं, स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं, और पहले गड्ढे कर दिए गए थे कि भाई ये स्विमिंग पूल बनेगा यहाँ पर, तो बिल्कुल पुल बन चुका है, पूल जो है अब बिल्कुल रेडी है, और साथ में ही कम हाइट वाला भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहूँ इसी तरह कहूँ ना। तो दोस्तों जगह जगह जो है इस वक्त गड़े हुए हैं, भर गए गड़े और कितने खतरनाक रोड्स हो चुके हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या हो रहा है कराची में, क्या होने जा रहा है और किस तरह से ये कराची काबू में आएगा। और साथ साथ एक मैसेज देते चले मेयर कराची की जानिब से मुर्तज़ा वहाब साहब, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि भाई आप लोग गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, और साथ ही साथ वो कह देते तो अच्छा लगता कि ना नानी के घर जाएं ना दादी के घर जाएं, अपने घर पर रहें। और स्विमिंग पूल एक और अंदर चले गए, मुसलसल अंदर दस्ते जा रहे हैं। हाँ तो क्या कह रहे थे हम, उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें और कुछ इस चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे ऑनलाइन मंगा लें। और छोटा सा एक पट्टा है जिससे मुझे गुजरना पड़ रहा है, बाकी तो निकल गए हम। वाओ ये कपड़े बनवाए स्पेशली, रेन ड्रेस बनाया है लड़के ने,
ये यहाँ का कोई सपाटर ही है, बाइकें चला रहे हैं और जिगजैग निकल गया। ठेले छोड़कर फरार हो गए हैं इस वक्त, ठेले जो है पानी में बिल्कुल डूब चुके हैं। अंगूर की तैयारी चल रही है, अंगूर काट के साफ किए जा रहे हैं। कौन सा अंगूर है? सुंदर कहानी है। क्या हिसाब चल रहा है? तो दोस्तों 100 रुपये पाव और 200 का आधा किलो चल रहा है इस वक्त सुंदर कहानी, और बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा वो है अनार, ओ अंगूर। अच्छा अनार इसलिए मुझे निकल गया, मैं एक रेसिपी देख के आ रहा था, उसमें अनार का इस्तेमाल किया जा रहा था ना। आ देख रहा हूँ मैं कि ये जब बस आएगी, बस शेल्टर के नीचे सांप बैठे हुए, किस तरह से भागेंगे बस के आगे, ऐसी सूरत में कहाँ भागेंगे। एक नजर इधर इलाके पे भी डाल रहे हैं। गुजर नाला बहुत बड़ा किरदार है गुजर नाला का। तो सोचा कि आज गुजर नाले से भी एक क्लिप हो जाए, तो साथ ही शफीक मोड़ से मुंसलिक लेफ्ट साइड पे मुड़ चुका हूँ। एक लकड़ी का टाल आया था, उधर से हम अंदर आ चुके हैं। एक बड़ा किरदार है बारिश के अंदर इस नाले का और इस गुजर नाले का, और काफ़ी सारे लोगों की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो बहुत ही खस्ता मकानात हैं, तो सोचा कि देखते चलें कि बारिश में कैसे रंग में ढल जाते हैं ये। तो बिल्कुल दूर से ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ख़तरनाक नज़ारे हो रहे हैं। बहुत गहरा गड़ा था। तो हम बात कर रहे थे स्विमिंग पूल्स की, और ये उससे भी बड़ा था। तो इस इलाके में हल्की बारिश हो रही है, और मुझे लग रहा है कि आज सारा दिन बारिश ने इसी तरह आंख में चोलियां खेल ली है। और दोबारा से ज़बरदस्त मकान की तामीरात शुरू कर दी है। कौन सा सेक्टर लग गया भाई? खास्ती भरोई रोड और गोट। ओए होए गोट, मैं वाला गोट तो नहीं है ना ये, केबीआर, केबीआर के साथ साथ है ये। ओ हो 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 हो, छम छम बरसा पानी, और बच्चों ने अपने यूनिफॉर्म बिल्कुल ख़राब कर दिए। गंदा पानी है ये, और यूनिफॉर्म्स उनके बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। वालदा की ज़रा सी गफलत और घुस गए वो पानी के अंदर। वाह भाई वाह, मेरे दोस्त ने बताया कि ये धोबी टाउन कहलाता है, और इस वक्त हम धोबी टाउन से गुजर रहे हैं। बारिश दोबारा से शुरू हो गई दोस्तों,
माशाल्लाह धोबी टाउन के नज़ारे हो गए। और बारिश में के इलेक्ट्रिक कैमले का दीदार, पूरी कौम को जिन्होंने कर दिया बेजार, और इलाके में जो कारोबारी सहूलत हाल है मुझे मामूल पर लग रही है। और जबकि महंगाई के लिए प्रोटेस्ट किया गया है, एहतजाज चल रहा है, एहतजाजी हड़ताली कॉल दी गई है, और तारीखी कॉल जिसको कहा जा रहा है हाफिज़ नईम रहमान साहब की जानिब से, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान साहब। कोशिशें हैं उनकी भी, और जो पार्टी करती है और जो लोग आगे बढ़ते हैं उनका ज़रूर हम नाम लेते हैं और उनको ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं। और बच्चे जो हैं इस वक्त पानी में, गंदा पानी है साफ है? साफ है, बारिश का है। वाह भाई वाह, ये तो भाई पानी के अंदर खेल रही हैं। और इस वक्त हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरी बाइक क्यों बंद हो गई भाई? और माशाल्लाह फिर से स्टार्ट नहीं, क्या बात है, लंबे लंबे और छोटे बड़े गड़े। और आज मैं वालदा से कह के निकला था, अम्मी दुआ करिएगा सफ़र बा खैरियत रहे और गाड़ी भी स्टार्ट रहे, मेरी चलती रहे चलती रहे चलती रहे। धोबीघाट टाउन, और धोबी टाउन था क्या था, उसके बाद के बी आर से बिल्कुल आगे आ चुके हैं। और ये है गरम गरम कैफे प्याला, और जो चाय पीने यहाँ बैठ गया वो नहीं है उठने वाला, तो आने वाला है कैफे प्याला। ओहो, एक और स्विमिंग पूल आ गया। अच्छा, स्विमिंग पूल का जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, बच्चों ने उसे कर दिखाया और नहाते हुए बता रहे हैं कि वो, और हमारे दोस्त गुजर रहे हैं अशरफ साहब, एक दीदार हो गया उनका भी। और ये देखिए कितनी खतरनाक, ये बेचारा कहाँ खड़ा हो गया इतनी ठंड में। शायद वो समझी कि हम गली में मौजूद हैं, पर ये गवर्नमेंट ने इसको सड़क करार दे दिया है, लेकिन वो समझ नहीं रही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि वो सड़क पे घूम रही है। खातून बड़ी जज्बाती, हट ही नहीं रही थी बाइक के आगे से। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताता चलूं, नहीं पता लग रहा कि बूंदें कब पड़ रही हैं कैमरे पे और कब आ रहा है पानी, मैं मशगूल हो जाता हूँ आप लोगों से बातों में और जज नहीं कर पाता हूँ कि कब बूंदें पड़ रही हैं। साथ ही साथ आप लोगों से माजरत, वीडियो और वॉइस क्वालिटी के अंदर अगर कोई कमी आ रही है तो आज उसे थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। और हर बार ही हम हल निकालने की कोशिश करते हैं कि चीज़ों को जल्द से जल्द उसका हल निकाला जाए। और आज धीरे धीरे बारिश के साथ, धीमी धीमी बारिश के साथ, कहीं तेज़ बारिश के साथ सफ़र कर रहे हैं। कैफे प्याला वाले रोड पर आ चुके हैं और अब वाटर पंप की जाने। तो दोस्तों यहीं से आपसे लूँगा इजाज़त, यहीं से जाना चाहूँगा और एक नई अपडेट में मुलाकात करूँगा नए एरिया के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बस जाते जाते ये बता दूं कि यहाँ पर पिछले इलाकों से थोड़ी तेज़ बारिश है, मुसलसल हो रही है। और जैसे मैंने स्पाइडरमैन का जिक्र किया था, तो आज थोड़ी सी ना एहतियात करिएगा, ये जो जाल बना हुआ है ना बिल्कुल शहर के अंदर तारों का, इससे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अपने बच्चों को भी दूर रखना है, अगर वो स्कूल से आ रहे हैं तो ज़िम्मेदारी से खुद ही उन्हें लेकर आएँ, क्योंकि बच्चे हैं आते हुए खंभों को हाथ लगाते हैं, दीवारों को हाथ लगाते हैं, पानी में खेलने लग जाते हैं। तो एहतियात कीजिए, बच्चों को खुद लेके आइए और ज़िम्मेदारी का एहसास कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।